हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राखीज किचन। आज मैं आपको एक दाल बनाना सिखाऊंगी, जो कि उस दाल का नाम है मुरादाबादी दाल। हमें उसके लिए मूंग धुली दाल चाहिए होगी एक कटोरी। मूंग धुली दाल अगर हमने ली है तो हमें इसका 3 गुना पानी डालना है जब हम इसे बॉईल करेंगे। चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और देसी घी। आइए सबसे पहले हम मूंग धुली दाल को धोकर इसे कुकर में डाल देते हैं बॉईल करने के लिए। अब हम दाल को कुकर में डाल देंगे। दाल मैंने धो ली है और 1 कटोरी दाल के साथ मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी दाल को। दाल मैंने कुकर में डाल दी है, इसके साथ ही मैं नमक डाल दूंगी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तेल। 1 चम्मच तेल डाल के इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी और 1 सीटी आते ही को बंद कर दूंगी। ढक्कन लगा दिया मैंने, अब सीटी आने का इंतजार करेंगे। 1 सीटी आते ही, इसकी स्टीम निकलते ही इसका ढक्कन मैं खोल दूंगी। अब सीटी हमारी आ चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। कुकर में से स्टीम निकल चुकी है, अब हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे। दाल हमारी उबल चुकी है, अब हम इस दाल में तड़का डालेंगे। अब हम दाल का तड़का बना लेंगे गैस ऑन करके। मैंने 2 चम्मच देसी घी में ही डालना है तड़का अपना सारा। 2 चम्मच देसी घी ले लिया है और गरम करने के लिए रख दिया है इसे। अब इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे। अब इसमें जीरा डाल देंगे और लाल मिर्ची डालकर थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे और इसका ये तड़का दाल के ऊपर डाल देंगे गरम गरम, गैस बंद करके। देखिए हमारी मुरादाबादी दाल तैयार। अब इस दाल में एक ट्विस्ट देंगे, इसमें नींबू का रस डाल देंगे। 1 नींबू मैंने निचोड़ लिया है और इस तरीके से ऊपर से डाल के इसे मैं मिक्स कर लूंगी दाल को। इससे बहुत स्वाद आता है नींबू डालने से और डाइजेस्ट भी हो जाती है दाल। लीजिए मेरी तो दाल तैयार है, इसे आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू।